स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ आपकी टीचर माविश काजमी एक बार फिर हाजिर है स्टूडेंट्स हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी बुक का फोर्थ चैप्टर है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मुतालिक स्ट्रक्चर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एटम्स मॉलिक्यूल बनाता ही क्यों हैं उसको क्या ज़रूरत है कि वो रिएक्शन शो करे ये हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है आए इसकी बात करते हैं कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स ये एक बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज़ जो है कायनात में वो मस्तहम होना चाहती है और मस्तकम होने के लिए उसको किसी ना किसी से लेन देन रखना पड़ता है किसी के साथ शेयरिंग करनी पड़ती है इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से एटम्स जो हैं वो भी यही करते हैं एटम्स की स्टेबिलिटी किस तरह से हो सकती है स्टूडेंट्स एटम की स्टेबिलिटी इस तरह से हो सकती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करें डुप्लेट और ऑक्टेट रूल में यही बात बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में पूरा करना ही एटम की सब का सबसे बड़ा काम होता है और ये पूरा करना इस पूरा करने के लिए एटम कौन कौन से तरीके इख्तियार करता है किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है डिफरेंट एटम के साथ या सेम एटम्स के साथ सेम एलिमेंट्स के या डिफरेंट एलिमेंट्स के हमारा आज का टॉपिक इसके मुतालिक है अब हम बात करेंगे कि केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं देखें जब भी एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके दरमियान में डेवलप होगी हम उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड और इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की हमारे पास चार टाइप्स बनती हैं जो कि है आयनिक बॉन्ड कोविल बॉन्ड कॉर्डिनेट कोवलिन बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि ये इनकी नेचर क्या है किस तरीके से होते हैं और ये बॉन्डिंग जो है ये प्रॉपर्टीज़ पर किस तरह से असरअंदाज होती है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो बॉन्डिंग कैपेसिटी है एटम्स की जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के पास ट्रांसफ़र कर देता है और इस ट्रांसफ़र की वजह से उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ये आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी क्या है सबसे पहले सबसे पहले यह है कि एटम जो है वो आयनिक स्टेट में आए अपनी आयनिक स्टेट में वो कैसे आएगा आप लोगों ने अपने चैप्टर वन में हमने पढ़ा है कि एटम्स जो हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो वो पॉजिटिव आइन बनाते हैं जिनको हम कैटाइंस कहते हैं और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो नेगेटिव आइन बन जाते हैं जो कि एनाइंस कहलाते हैं ये कैटाइन और एनाइंस ऑपोजिटली चार्ज आइंस जब आपस में रिएक्शन करते हैं जब ये दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तब ये बॉन्ड बन जाता है इनके दरम्यान में जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड जो है उसके लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं मेटल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं पॉजिटिव आइन बन जाती हैं और नॉन मेटल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं और नेगेटिव uh, आइन बना देती हैं और इस तरह की इंटरेक्शन से अनेक बॉन्ड बन जाता है स्टूडेंट्स इस, हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत कॉमन सा सब्सटेंस आपने पढ़ा है देखा है डेली इस्तेमाल करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कैसे बनता है इसके लिए हम स्लाइड से पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर एक आयनिक बॉन्ड पाया जाता है एक सिंपल रिएक्शन क्या कहता है सोडियम क्लोराइड की मेकिंग के बारे में कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो जब इकट्ठे होते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन से समझने की कोशिश करेंगे इसे ये देखिए स्टूडेंट्स ये है सोडियम हमने अपने फोर्थ चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि आइन्स कैसे बनते हैं हमने अपने फोर्थ चैप्टर में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है अब ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सोडियम एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह से दी हुई है पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है दूसरे शैल में एट इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के लिए आसान है कि वो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे और उसका जो दूसरा शेल है वो उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा तब इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है ना कि सात इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करना दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये है क्लोरीन क्लोरीन आइटम जो है उसकी कंफिग्रेशन कुछ ये है दो आठ और सात क्लोरीन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे शेल में सात आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीस, तीसरे शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टूडेंट्स क्लोरीन के लिए आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और स्टेबल हो जाए सोडियम के लिए आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे और स्टेबल हो जाए तो क्या करेंगे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर क्लोरीन के पास चला जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्लोरा क्लोराइड आइन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब ये चार्जेस डेवलप हो जाएंगे इनके दरमियान तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी उसे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं हम ये इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सोडियम और ये क्लोराइड आइन कम्बाइन होकर एक ही जगह पर सेटल हो जाते हैं अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए कि सोडियम जो है जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है तो उसकी कन्फिग्रेशन टू एट हो गई है जो कि नियोन की होती है इसी तरह से क्लोराइड आइन जो है उसने जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो उसकी कन्फिग्रेशन आर्गॉन की तरह की हो गई है तो हमने यही बात की कि एटम्स जो हैं स्टूडेंट्स वो इसीलिए बॉन्डिंग करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हासिल कर सकें इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरी तरह की बॉन्डिंग की जो कि है कोवलेंट बॉन्ड आइनिंग बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है एक सब मोल्टी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे ही देती है लेकिन कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के एलिमेंट्स के दरमियान हो सकती हैं मेटल्स नॉन मेटल्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो नॉन मेटल्स बनाती हैं नॉन मेटल्स शेयरिंग अच्छे से कर लेती हैं जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक नेचर ज़्यादा रखते हैं उनकी टेंडेंसी जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाने की बहुत ज़्यादा होती है अब ये जो बॉन्डिंग है जो शेयरिंग है इस शेयरिंग की वजह से स्टूडेंट्स जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ये जो बॉन्डिंग है ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकती है दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की भी हो सकती है और तीन शेयरिंग भी हो सकती हैं तो उसी लिहाज से स्टूडेंट्स हम इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसको कि ये क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की सिंगल कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब रिएक्टिंग एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं और इस शेयर से दोनों को फायदा होता है और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं स्विंज की देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के पास के आइटम्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है ये दो हाइड्रोजन जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने आप आपको कैसे स्टेबल कर सकते हैं ये अपने आप को स्टूडेंट्स इस तरह से स्टेबल कर सकते हैं कि ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इनके दरम्यान में ये सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से समझते हैं ये देखें इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद जब इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट जिस पॉइंट पर इक्वल होती है वहां पर बॉन्ड पेयर बन जाता है और वहां पर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है स्टूडेंट्स सिंगल कोविलेंट बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं बल्कि क्लोरीन गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा मॉलिक्यूल है और मीथेन मॉलिक्यूल इसके अलावा और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डबल कोविलेंट बॉन्ड की डबल कोविलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो मुख्तलिफ एटम्स के या सिमिलर एटम्स के मिलते हैं एक दूसरे से और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के ऑक्सीजन ये देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स और ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अब ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे दो और चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के से शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन जिससे क्या होगा कि दोनों के पास आठ आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और डबल बॉन्ड भी बन जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है ये स्टेबल भी हो जाएगा ये देखें स्टूडेंट्स, ये दो इलेक्ट्रॉन ये दो ये तो, 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 तो टोटल छे इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर भी छह इलेक्ट्रॉन है जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो एक खास पॉइंट तक करीब आएंगे इनके दरमियान जो फोर्सेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं और रिपल्शन की फोर्सेस जो आएंगी वो जब वो जिस पॉइंट पर बैलेंस करेंगी वहां पर इनके दरमियान एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और ये दोनों स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे हमारी टाइप जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं शेयरिंग करते हैं और इसकी एग्जाम्पल सबसे आसान वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो नाइट्रोजन की है आपको मालूम है हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है 78 परसेंट एयर में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ये जो नाइट्रोजन होती है N2 का मॉलिक्यूल ये किस तरीके से बनता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अपने आपको स्टेबल करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ये तीन इलेक्ट्रॉन्स उसको नाइट्रोजन एटम ही दे सकता है ये दोनों नाइट्रोजन अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर छह इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं और यहाँ पर कोवले, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ये तो बात थी कोवलेंट बॉन्ड्स की अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की ये क्या टाइप है स्टूडेंट्स अभी तक आयनिक में आपने पढ़ा ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट में पड़ा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आप देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन अपने वो दूसरे को डोनेट कर देता है और डोनेट करने के साथ साथ वो उसके साथ अटैच हो जाता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड इसकी एग्जाम्पल सबसे आसान वाली जो है वो अमोनिया की है ये देखें स्टूडेंट्स अमोनिया जो है इसके आउटर मोस्ट में यहां देखें इसके नाइट्रोजन के अपने पांच इलेक्ट्रॉन हैं और उसने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बनाए हुए हैं उसके बाद इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर फारेक है इस नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर फारे है अमोनिया के इस मॉलिक्यूल में ये नाइट्रोजन पेयर ये अगर इस हाइड्रोजन आइन को दे देता है तो हाइड्रोजन आइन के पास जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाती है और इसके पास जो एक चीज एक्स्ट्रा थी वो इसने इसको शेयर कर ली इसके साथ इसको दे दी लेकिन खुद भी साथ वहीं पर अटैच है और ये बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को दे रहा है और नाइट्रोजन जो, जो, जो है वो अपने लोन पेयर बोरोन को दे रहा है और इनके दरमियान में ये कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है जिसमें जो देने वाला है वो डोनर है और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्टर है तो इस वाले कंपाउंड की जो मेकिंग है इसमें अमोनिया जो है वो हमारा डोनर है और जो हमारा बोरोन ट्राईफ्लोराइड है वो हमारा एक्सेप्टर है इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे जिसमें हमने ये देखना है कि ये जो कोविलेंट बॉन्ड बने थे ये पोलर कब होते हैं और नॉन पोलर कब होते हैं तो स्टूडेंट्स कोविलेंट बॉन्ड के बारे में आपने अभी यही पढ़ा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोविलेंट बॉन्ड बनता है बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन वो बॉन्ड पोलर किस सिचुएशन में हो जाता है और नॉन पोलर पहली बात ये पोलर का क्या मतलब है पोलर का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल जब बन गया है तो बनने के बाद उसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए आयनिक बॉन्ड से इसको कंफ्यूज नहीं करना आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट चार्ज होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इसमें कंप्लीट चार्ज नहीं है आधा चार्ज है पार्शियल चार्ज है अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कि वो कैसे होते हैं तो स्टूडेंट्स अगर दो एटम्स एक जैसे आपस में बॉन्डिंग करें कोवलेंट बॉन्ड से तो क्या होगा उन दोनों एटम्स ने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही कुत के साथ पकड़ना है और जब वो एक ही कुत से पकड़ेंगे तो उनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और वो एक नॉन पोलर स्ट्रक्चर बनेगा इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन की है हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस की कि दोनों आइटम सेम है सेम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो उनके ऊपर कोई भी पार्शियल चार्ज नहीं आएगा जब पार्शियल चार्ज नहीं आएगा तो वो नॉन पोलर इन नेचर होंगे यूजअली कोवलेंट बॉन्ड सारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं लेकिन पोलर किस सिचुएशन में होंगे उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स पोलर वही सिचुएशन में होंगे कि जब दो एटम्स जो मिल रहे हैं वो एक जैसे नहीं है बल्कि मुख्तलिफ हैं और उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है स्लाइड पर हम देखते हैं उसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन एक बहुत छोटा एटम है और क्लोरीन एक बहुत बड़ा एटम है तो जब क्लोरीन बहुत बड़ा एटम है स्टूडेंट्स तो वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो स्ट्रांगली क्लोरीन के पास रहेगा तो जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब अगर स्टूडेंट्स हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है स्टूडेंट्स 3.2। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वन का आता है ये वन बता रहा है कि यहां पर ये दोनों एक ही लेवल पर नहीं है आप समझ लें कि क्लोरीन रिच है और हाइड्रोजन जो है बेचारा पुअर है ठीक है तो इस सिचुएशन में क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से ये पोलर बन जाएगा और पोलर होने की वजह से ये कंपाउंड जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लाएगा इसकी इस तरह के बॉन्डिंग का स्टूडेंट्स पोलैरिटी पर क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली स्लाइड में जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं जिसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड मेटैलिक बॉन्ड कहाँ बनता है और कहाँ होता है स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप होती है और ज़्यादातर ये आपके नाम इसको नाम से पता चल रहा है कि ये मेटेलिक बॉन्ड है तो ये मेटल्स के अंदर पाया जाता है इन अ मेटल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके से इकट्ठे रहते हैं उनके दरम्यान में क्या फोर्सेस होती हैं उसको हम मेटेलिक बॉन्ड से देखते हैं जहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जब एक मेटल होती है तो मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अभी जैसे हमने सोडियम की बात की वहाँ पर सोडियम एक मेटल है उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में बाकी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बाकी दस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो जब मेटल्स होती हैं इनके दरमियान में इन इनके साथ ये हो जाता है कि जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पूरे स्ट्रक्चर में आप कह लें तैरता फिरता है जैसे समंदर में कोई चीज़ तैर रही होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर तैर रहे होते हैं और तैरते तैरते उनका बॉन्डिंग जो है उनके नेबरिंग पॉजिटिव न्यूक्लिया से बन जाती है स्टूडेंट्स अब ये देखेंगे कि जो हमने बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ी हैं ये जो हमने चारों टाइप्स पांचों टाइप्स पढ़ी हैं इसमें इसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से मुतासर होती हैं स्टूडेंट्स बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी पर बहुत असर पड़ता है जिस तरह आपकी सोबत डिसाइड करती है कि आप कैसे हैं बिल्कुल वैसे ही ये आइटम्स की बॉन्डिंग बताती है कि वो आगे चलकर क्या प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे वो किस तरीके से अपने रिएक्शन देंगे या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करेंगे तो हम वन बाय वन देखते हैं इसको सबसे पहले हम बात करेंगे ऐनी कंपाउंड की जिसके बारे में हमने कहा कि एनी कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन से बनता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आइनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है यही स्ट्रक्चर हमने स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जहां पर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फार्मूला वगैरह पढ़ा था और जहां पर हमने फार्मूला मैथ्स वगैरह पढ़ा था तो हम देखते हैं कि वहाँ यहां पर दोबारा से उसको समझने की कोशिश करते हैं ये देखिए स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो इसका मतलब यह है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो वहां पर मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि आइन्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इकट्ठे होते हैं स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ये बात की थी कि आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनमें एक आयन के इर्द गिर्द काफी आइन्स मौजूद होते हैं अब ये इस एग्जाम्पल इस इस पिक्चर से देखिए ये है आपका सोडियम आइन ये देखिए ये आपको सिंबल से पता चल रहा है कि ये सोडियम आइन है ये सोडियम आइन कितने क्लोरीन से सराउंड है जरा काउंट करें ये देखें एक दो तीन चार पाँच सेंट्रल सोडियम जो है वो सिक्स क्लोरीन के साथ उन्हें उसको घेरा हुआ है इसी तरह हर क्लोरीन को छः सोडियम ने घेरा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर इसका एंड कोई नहीं है ये कंटिन्यू रहता है थ्री डायमेंशनली तीनों डायमेंशन में ये स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता इसीलिए हम फार्मूला यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं और हम फार्मूला मैथ इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट्स ये था आयनिक कंपाउंड के बारे में अब देखते हैं इस तरह के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पर क्या असर होता है प्रॉपर्टीज की बात करें तो आइन्स जो हैं आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं आइनी कंपाउंड चूँकि एक बहुत जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है तो वो जो अपेरेंट्स उसकी आती है वो सॉलिड आती है आपने सोडियम क्लोराइड नमक देखा है नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है इसके अलावा ये जो आइनी कंपाउंड हैं ये सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करते अपने अंदर से लेकिन अगर इनको पानी में मिक्स कर लिया जाए या इनको मोल्टन सिचुएशन में ले आए तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स आइनी कम्पाउंड जो हैं उनके मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट हाई होते हैं और क्यों हाई होते हैं इसकी वजह वही है जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में समझाई क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत वास्ट होता है बहुत बड़ा होता है तो इनको मेल्ट होने में और बॉयल होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्डिंग तोड़ने में बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी दरकार है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स पानी का डाईलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये जो हाई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेज हैं ये उस डाई एलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की वजह से टूट जाती हैं और ये चीज़ डिजॉल्व हो जाती है मैंने अभी आपसे कहा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविलेंट कम्पाउंड की प्रॉपर्टी कोविलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कोविलेंट कंपाउंड कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स के इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं इसकी एक बड़ी आसान से एग्जाम्पल दूंगी पेट्रोल जो होता है वो कोविलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है इसी वजह से पेट्रोल जल्दी एवेपोरेट हो जाता है क्योंकि उसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इसके अलावा जो हमारे कोविलन कम्पाउंडस हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी ये अपनी ये लिक्विड सॉलिड किसी भी फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते उसके अलावा स्टूडेंट्स ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होते इतने अच्छे तरीके से पानी के अंदर इनकी द, इनकी सॉलिबिलटी कम है उसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स वो कोवलेंट कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े हैं जिनके लार्ज क्रिस्टल्स हैं वो वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं उनकी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये देखिए डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की दो अलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये कार्बन ये डायमंड और ग्रेफाइट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं यूजअली अभी हमने कहा कि कोविलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के स्टूडेंट्स क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है बहुत स्टेबल है और बहुत ज़्यादा हार्ड है यही वजह है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं बाकी कोवलेंट कंपाउंड के मुकाबले में इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की देखते हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो वही प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो कोवलेंट की होती है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं लेकिन ये कंपाउंड जो हैं ये पानी में आयनिक फॉर्म नहीं देते कुछ कोवलेंट कंपाउंड लाइक पोलर कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो पानी में हो जाते हैं सोलेबल जैसे कि अल्कोहल है लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट वाले कंपाउंड हैं ये पानी में किसी तौर, तौर भी सोलेबल नहीं होते उसके अलावा इनकी कोवलेंट नेचर की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सोलवेंट में हल हो सकते हैं और इसके अलावा ये रिजिड कंपोनेंट कंपाउंड होता है इसमें डायपोल पाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइन अभी आपने देखा हमने अमोनिया के केस में देखा कि पॉजिटिव चार्ज था वहां पर तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं अब बात करेंगे मेटल्स की जिनके बारे में हमने कहा कि उनके अंदर एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्ट कर रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर फैले हुए हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से स्टूडेंट्स इफेक्ट करते हैं कि वो मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बनाते हैं मेटल्स आपको पता है कॉपर वायर का स्टील वगैरह आयरन लोहे के बारे में आपको पता है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है वो इसीलिए गर्म हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी को कैरी करके बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है मेलेबल एंड डक्टाइल मेलेबल एंड डक्टाइल क्या होते हैं मेलेबल कहते हैं जब आप मेटल को शीट्स की फॉर्म में बना सकें और आपने देखा है कि लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं कॉपर की भी शीट्स होती हैं उसके अलावा डक्टिलिटी कहते हैं कि जब आप मेटल को वायर्स की शक्ल दे सकें कॉपर वायर्स की फॉर्म में तो ये इस तरीके से मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल के मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट हाई होते हैं इसको हमने पहले भी डिस्कस किया लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इसीलिए ये लोग ज़्यादा ये मेटल्स जो हैं ये ज़्यादा इजीली केटाइंस बनाती हैं अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक और तरह की फोर्सेस जिसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंटर मोलिकुलर फोर्सेज एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है लेकिन कॉन्स्टेंट परमानेंट बॉन्डिंग की वजह से और उस बॉन्डिंग के नतीजे में सराउंडिंग मॉलिक्यूल की के साथ इंटरेक्शन है मतलब एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोविलेंट बॉन्ड है वो जब बाकी दूसरे बॉन्ड्स के साथ मौजूद है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मौजूद है तो वो किस तरीके से बाकी सबसे इंटरेक्ट करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपको मैं स्लाइड पर दिखाऊंगी ये देखें सोडियम क्लोराइड अभी हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इस पर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है जब ये मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक जगह पर पाया जाता है तो नॉन बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन डेवलप होती हैं ये हैं बॉन्डेड इंटरेक्शन जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है लेकिन ये जो इंटरेक्शन है क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जिसे डॉटेड लाइन से शो किया गया है स्टूडेंट यहां पर ये बॉन्डिंग इनकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है बल्कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेज है स्टूडेंट्स ये क्यों डेवलप हुई है क्योंकि नेबरिंग जो आइन्स हैं या नेबरिंग जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज ये बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं ये ऑपोजिट चार्ज के होने की वजह से डेवलप हुई हैं और ये जब डेवलप हो जाती हैं स्टूडेंट्स तो ये इनकी पावर या इनकी फोर्स कितनी ज़्यादा होती है इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम कि देखिए 17 किलो जावल एनर्जी चाहिए हमें इस इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए इसका मतलब यह है कि एच के मॉलिक्यूल को के अंदर जो मौजूद फोर्सेस हैं इंटर मोलिकुलर फोसेज उनको तोड़ने के लिए सत्रह किलो जावल एनर्जी चाहिए जबकि एक्चुअल हाइड्रोजन और क्लोराइड को तोड़ने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग बॉन्ड है फोर थर्टी किलो जावल एनर्जी चाहिए इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि केमिकल बॉन्ड्स के तो होते ही स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो वाकई बहुत एनर्जी चाहिए होती है लेकिन ये जो वीक इंट्रैक्शन होती हैं जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ये वीक इंटरेक्शन होती हैं लेकिन जब ये समभ होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बन जाती हैं इसमें हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में स्टूडेंट्स वही चीज़ है कि वो कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से वो अपनी सराउंडिंग में मौजूद जो हम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑल दे आर ऑल्सो पोलर उनके साथ वो इंटरेक्शन डेवलप करता है उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ये देखिए स्टूडेंट्स ये है एच सी एल के मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज नजर आ रहे हैं ये आपस में यहां पर तो बॉन्ड कर ये बॉन्डिंग बन रही है ये वीक इंटरेक्शन डेवलप हो रही है इस वीक इंटरेक्शन की वजह से ये एक ये डायपोल बन जाते हैं देखिए यहां पर कंसन्ट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर कंसनट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कम है तो इसके डाइपोल बन गए हैं ये एक डायपोल ये दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनती जा रही है और इसका नेट रिजल्ट जो है यही होता है कि ऐसे कंपाउंड्स में एनर्जी ज़्यादा लगती है अगर हम उनको वेपोरेट कराएं या उनके डिफरेंट रिएक्शन देखें इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी जो आखिरी बॉन्डिंग टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह की बॉन्डिंग है ये इस तरह की बॉन्डिंग है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके साथ एक बहुत बड़ा दूसरा एटम मौजूद है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन हो गया अगर ये मौजूद हैं तो ये हाइड्रोजन उनके मुकाबले में बहुत छोटे साइज का है छोटे साइज के होने की वजह से इन पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ जाता है और इस पार्शल और पार्शल पॉजिटिव की वजह से इनके दरमियान में बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है उस पर पार्शल चार्ज है तो ये ऑक्सीजन नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ जो डॉटेड लाइन में बॉन्डिंग शो कर रहा है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पानी की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत इफेक्ट होती हैं जब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किस तरीके से होती है कि बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है अब ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है क्यों क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू अल्कोहल यही वजह है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया उसके अलावा वो पोलर इलाके जहां पर बर्फ जम जाती है वहां पर बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है इसकी वजह क्या है उसका लो डेंस होना पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन जब पानी बर्फ बनता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से आइस जो है वो एक्सपैंड करती है और एक्सपैंड करने से डेंसिटी लो हो जाती है और जब डेंसिटी लो हो जाती है तो चीज़ जो है फ्लोट करती है ना कि सिंक तो यही वजह है कि पानी जो इतना अच्छा सॉल्वेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं बॉन्डिंग की टाइप्स कितनी हैं और ये बॉन्डिंग जो है ये किस तरीके से मॉलिक्यूल्स या एटम्स को इफ़ेक्ट करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अपनी टीचर माविश काजमी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़